वेलकम टू द चैनल एग्रीकल्चरल स्टडीज। मेरा नाम है दिवाकर खत्री और आज का ये जो वीडियो है, इस वीडियो के दौरान हम एंटेमोलॉजी सब्जेक्ट की एक कोर्स टाइटल पेस्ट ऑफ क्रॉप्स एंड स्टोर्ड ग्रेन्स एंड देयर मैनेजमेंट के एक टॉपिक पॉलीपिगस इंसेक्ट पेस्ट, और उसमें भी हम टर्माइट्स के बारे में बात करने वाले हैं। टर्माइट्स जिन्हें हम हिंदी में दीमक कहते हैं, तो उनकी एकदम जनरल बातें, सबसे पहले हम उनकी जनरल बातों के बारे में जानेंगे, मतलब इनके एक तरह से इंट्रोडक्शन देखेंगे। फिर टर्माइट्स कितने टाइप्स की होती हैं, और उसके बाद हम जानेंगे कि इनका सिस्टेमिक पोजीशन क्या है। सिस्टेमिक पोजीशन यानी कि इनकी फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज वो क्या होती हैं, तो उसके बारे में भी हम जानेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे इनकी लाइफ साइकिल के बारे में। लाइफ साइकिल के बारे में मतलब इनके एग्स, निम्फ और एडल्ट स्टेज। जब एडल्ट स्टेजेस को हम जान रहे होंगे, तब आप जानेंगे कि इनके अंदर पॉलीमॉर्फिज्म देखा जाता है। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब ये हुआ कि इनकी एडल्ट स्टेज में अलग अलग तरह से टाइप्स देखे जाते हैं, जैसे किंग, क्वीन, वर्कर्स, सोल्जर्स क्या होते हैं, इन सबको अच्छे से हम उस वक्त जानेंगे। और उसके बाद एट लास्ट हम टर्माइट्स को कंट्रोल किस तरह से किया जाता है वो भी इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। और साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा कि पॉलीपेगस इंसेक्ट पेस्ट, इसमें लोकस्ट के ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक ऊपर आई बटन के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप चाहें तो उसे वहां से देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम टर्माइट्स की कुछ जनरल बातों के बारे में बात कर लेते हैं। क्या है वो कि देखिए, टर्माइट्स आर सोशल इंसेक्ट्स लिविंग इन कॉलोनीज। मतलब टर्माइट्स सोशल इंसेक्ट्स होते हैं, मतलब पर्टिकुलरली एक कॉलोनी बना बना के ये लोग रहते हैं। जैसे कि हम कहें कि जमीन के अंदर या पेड़ पर अलग अलग जगह पे ये अपनी कॉलोनी बनाते हैं, जैसे इंसानों की कॉलोनी होती, तो वैसे ही ये एक कॉलोनी बनाकर रहते हैं। और देखें हम, दीज आर फाउंड प्रैक्टिकली ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड पॉपुलरली नोन एज वाइट एंट्स। मतलब कि ये जो टर्माइट्स हैं ये लगभग पूरी दुनिया में देखे जाते हैं, है ना, तो ऑल ओवर द वर्ल्ड देखे जाते हैं एंड पॉपुलरली नोन एज द वाइट एंट। और हम कहते हैं टर्माइट्स को वाइट एंट भी कहते हैं, मतलब सफ़ेद चींटी भी कहा जाता है, क्योंकि देखने में लगभग कैसी देखते हैं हम कि ये एंट यानी चींटी जैसी दिखती हैं, लेकिन होती कैसी हैं, वाइट कलर की होती है। तो एंट में और टर्माइट्स में क्या फ़र्क होता है, तो उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं कि एंट्स और टर्माइट के अंदर मेजर डिफरेंस ये है कि एंट्स के जो एंटीनी होते हैं, एंटीना आप जानते हैं जो आगे की तरफ होते हैं, तो एंटीना जो होते हैं एंट्स के, वो एल्बो शेप्ड होते हैं। एल्बो शेप्ड मतलब आप समझ सकते हैं कि ये कोहनी के रूप में जो स्ट्रक्चर होता है, तो उस तरह से एल्बो शेप्ड होते हैं। वहीं टर्माइट्स की अगर हम देखें तो ये स्ट्रेट एंड बीड लाइक होते हैं। स्ट्रेट मतलब सीधे होते हैं, जैसे कि हमने कहा यहाँ एल्बो शेप्ड हैं, तो ये स्ट्रेट होते हैं, साथ में बीड लाइक होते हैं। बीड लाइक आप वैसे जानते होंगे कि मानक, जिसको हिंदी में मनका कहते हैं ना, तो वो मोती वगैरह की जो माला होती है, तो वैसे देखने में क्या होते हैं, बीड्स वगैरह आपस में मिलके, तो ये बीड लाइक स्ट्रक्चर होती है इनकी, टर्माइट्स की। तो आपको ध्यान रखना है कि जो एंट्स हैं उनकी एल्बो शेप्ड एंटीनी होती हैं, वहीं टर्माइट्स की स्ट्रेट होती है। और यहाँ इनकी वेस्ट देखें हम, वेस्ट मतलब कमर वाली साइड का हिस्सा जो है, तो वो एंट्स का अगर हम देखते हैं तो बहुत नैरो होता है, और वहीं अगर हम कहें टर्माइट्स का, तो वो काफ़ी ब्रॉड यानी कि चौड़ा होता है। ओके, और एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि टर्माइट्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चरल इंसेक्ट पेस्ट। स्ट्रक्चरल इंसेक्ट पेस्ट के बारे में मैं आपको पिछले वीडियो में भी बता चुका हूँ कि ऐसे पेस्ट या ऐसे इंसेक्ट्स जो कि किसी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को डैमेज करते हैं, है ना, जैसा कि आप ऑलरेडी जानते होंगे कि टर्माइट्स जो होती हैं वो लकड़ियों को ख़त्म कर देती हैं, है ना, कैसे कर देती हैं वो नेक्स्ट स्लाइड में हम जानेंगे, लेकिन यहाँ जैसे अब लिखा हुआ है तो आपको याद रखना है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल इंसेक्ट पेस्ट है। बहुत मतलब हम देखते हैं घर में भी जो लकड़ी वगैरह के सामान होते हैं, तो उनकी स्ट्रक्चर को ये डैमेज करते हैं। ओके, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि टर्माइट्स स्ट्रक्चरल इंसेक्ट पेस्ट है, तो ऐसा इनमें क्या है कि ये लकड़ी वगैरह की स्ट्रक्चर को ख़राब कर देते हैं। देखिए कि टर्माइट्स फीड ऑन वुड एंड वुड प्रोडक्ट्स बिकॉज देयर डाइजेस्टिव ट्रैक कंटेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। मतलब इनकी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, विच अनेबल्स देम टू कन्वर्ट दी सेलुलोज इनटू यूजफुल फूड। मतलब ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं इनके डाइजेस्टिव ट्रैक में, वो जो लकड़ी के अंदर सेलुलोज होता है, उस सेलुलोज को डाइजेस्ट करके किस में बदल देते हैं, तो यूजुअल फूड में, जो इनको खाने लायक क्या कह सकते हैं, इनके काम का जो फूड है उसमें बदल देते हैं, और इसलिए ये क्या करते हैं, लकड़ी वगैरह को डैमेज करते हैं। तो ये स्ट्रक्चरल इंसेक्ट पेस्ट इस वजह से हैं।
और हम देखते हैं कि जो टर्माइट्स हैं उसके अलग अलग टाइप्स देखे जाते हैं, और इनके अलग अलग टाइप्स की वजह से ही आप देखेंगे कि इनकी अलग अलग फैमिलीज भी होती हैं, है ना। तो जैसा कि इसके अंदर अगर हम बात करें तो इनके टाइप्स क्या हैं, तो टर्माइट्स जो है वो ट्री डवेलिंग टर्माइट्स भी हैं, मतलब जो पेड़ों पर रहती हैं, है ना, पेड़ों वगैरह पर रहने वाली टर्माइट्स भी होती हैं। डैम फूड टर्माइट्स भी होती हैं, मतलब जो गीली लकड़ी वगैरह कहीं पे होती हैं, कटी हुई पड़ी हैं, तो वहाँ पे भी देखी जाती हैं टर्माइट्स, वो अलग तरह की टर्माइट्स हैं कुछ। और ड्राई वुड हैं, तो मतलब सूखी लकड़ी पर लगने वाली टर्माइट्स अलग होती हैं। और हम देखें तो सब टेरेनियन टर्माइट्स, मतलब जो ज़मीन के अंदर रहती हैं, है ना, तो वो वाली टर्माइट्स भी होती हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं टर्माइट्स के अलग अलग टाइप्स भी होते हैं। तो जैसा कि आपने अब तक जाना कि टर्माइट्स के अलग अलग टाइप्स होते हैं, तो उनमें से एक टाइप को आपने जाना कि सब टेरेनियन टर्माइट्स, जो ज़मीन के अंदर रहने वाले टर्माइट्स हैं। तो उसमें एक टर्माइट के बारे में हम पढ़ते हैं जो कि है ओडोन्टोटर्मस ओबेसस। हम ओडोन्टोटर्मस ओबेसस के बारे में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इट इज़ मोस्टली एसोसिएटेड विद द क्रॉप्स, है ना। हमारा सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर में क्रॉप्स, क्रॉप्स के अंदर सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली टर्माइट कौन सी है, तो वो देखते हैं ओडोन्टोटर्मस ओबेसस है। वो भी कौन सी क्रॉप में, तो हम देखते हैं मीज, सॉर्गम, ग्राउंडनट, शुगर केन, इस तरह की जो क्रॉप्स होती हैं उनमें इसका अटैक देखा जाता है। अब ये जो ओडोन्टोटर्मस ओबेसस है, इसका सिस्टेमिक पोजिशन क्या होती है, सिस्टेमिक क्लासिफिकेशन क्या है इसका, तो हम देखें तो इनका जो फाइलम है वो है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा आप जानते हैं जो कि जॉइंट्स वाले एनिमल्स हैं, जिनके अंदर जॉइंट्स पाए जाते हैं, तो वो आर्थ्रोपोडा या संधिपाद जिन्हें कहा जाता है, तो वो आर्थ्रोपोडा के अंदर आते हैं। वहीं अगर हम देखें जो क्लास है इसकी, वो क्लास है इंसेक्टा। इंसेक्ट्स वो होते हैं ना जिनके अंदर वन पेयर ऑफ एंटीनी पाई जाती है, इनकी बॉडी थ्री सेगमेंट्स में डिवाइड होती है, सिक्स पेयर या कह सकते हैं हम थ्री पेयर्स ऑफ लेग होते हैं इनके अंदर। तो ये सारे जितने भी इंसेक्ट हैं वो किसमें, इंसेक्टा में आते हैं। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि फाइलम और क्लास तो हमें एकदम याद करने की ज़रूरत नहीं है कि फाइलम तो ऑर्थोपोडा ही होगा और क्लास तो इनकी इंसेक्टा ही होगी। याद करने वाली बात यह है कि इनका ऑर्डर जो है वो है आइसोप्टेरा, ठीक है। तो आइसोप्टेरा इस ऑर्डर को याद रखेंगे हम। इनकी फैमिली जो है वो टर्मिटिडी है, टर्माइट्स की टर्मिडिटी है, तो याद हो जाता है आसानी से। और जीनस ऑफकोर्स क्या है, ओडोन्टोटर्मिस, और जो स्पीसीज है उसकी वो हो जाएगी ओबेसिस। आप ऑलरेडी जानते हैं कि इनके साइंटिफिक नेम के अंदर जीनस और स्पीसीज को काम में लिया जाता है, इसलिए ये इसका जीनस है और ये इसकी स्पीसीज है, ओडोन्टोटर्मस ओबेसिस। तो चलिए अब हम टर्माइट्स की लाइफ साइकिल के बारे में बात कर लेते हैं। लाइफ साइकिल मतलब इनकी लाइफ में अलग अलग स्टेजेस कौन सी होती हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ भी इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस देखा जाता है। यहाँ भी कहने का मतलब ये है कि जैसा कि पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि जो लोकस्ट हैं उसके अंदर भी इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस देखा जाता है। इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस मतलब इसके अंदर लाइफ में तीन स्टेजेस ही देखी जाती हैं, जो कि है एग, निम्फ एंड एडल्ट। यहाँ कोई प्यूपा स्टेज नहीं होती है ना, अगर प्यूपा स्टेज भी अवेलेबल होती है तो वहाँ पे हम देखते हैं कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस कहते हैं उसे हम। लेकिन यहाँ तीन ही स्टेजेस हैं जो कि हैं एग्स, निम्फ और एडल्ट, इसलिए हम यहाँ देखते हैं इसे इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। ओके, मेटामॉर्फोसिस मतलब कायांतरण, बॉडी का चेंज हो जाना, है ना, तो ये इनकम्प्लीट होता है यहाँ। तो उस लाइफ साइकिल की सबसे पहली स्टेज एग्स, एग्स के बारे में अगर हम बात करें तो ये एग्स जो है वो स्मॉल किडनी शेप्ड होते हैं। किडनी शेप्ड, ह्यूमन किडनी आपने देखी होगी, मतलब फोटोज वगैरह में देखी होगी कि कैसे होते हैं ये, तो बीन लाइक स्ट्रक्चर सा होता है, तो उसी तरह से इनके एग्स होते हैं। येलोइश कलर का होता है इनका, मतलब हल्के पीले से रंग में होंगे, और लेंथ इनकी 0.5 मिलीमीटर होती है, आधा मिलीमीटर इनकी लेंथ है, और हैच आउट इन 20 to 90 days। 20 to 90 days, है ना, इतना ज़्यादा गैप क्यों, कहाँ हम कह रहे हैं 20 दिन ही, कहाँ हम कह रहे हैं 90 दिन, इतना बड़ा डिफरेंस इसलिए क्योंकि हम देखते हैं कि फेवरेबल कंडीशंस की वजह से, अगर ह्यूमिडिटी वगैरह अगर अवेलेबल है तो ये 20 दिन से 30 दिन के अंदर ही हैचिंग हो जाएगी इनकी, अगर नहीं है तो ये लेट हैचिंग होगी ना, तो 90 दिन तक लग सकते हैं। तो 20 to 90 days देखते हैं। और रेड कलर के अंदर खास बात लिखी गई है कि यहाँ 300 to 20,000 eggs per day, मतलब इतने ज़्यादा एग्स जो हैं वो एग लेइंग होती हैं यहाँ पे। क्यों, जैसा कि आप हम एडल्ट्स को जब हम जानेंगे, एडल्ट्स के अंदर भी क्वीन के बारे में जब पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि इन्हें एग लेइंग मशीन भी कहा जाता है क्वीन को, क्योंकि क्वीन जो होती है वो इतनी लंबी होती है, उसका ओविपोजिटर पूरा एब्डोमिनल के अंदर ही क्या होते हैं, एग्स
बहुत सारे निकलते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि बहुत ज्यादा एग्स इनके अंदर लेइंग होती है, और वो कितनी, तो हम देखते हैं कि 300 to 20,000 एग्स पर डे भी दिए जाते हैं। ओके, और अब इसके नेक्स्ट हैचिंग हो जाने के बाद कौन सी स्टेज बाहर आती है, तो हम देखते हैं निम्फ, है ना। निम्फ क्या होते हैं? इमेच्योर एडल्ट, एडल्ट जब तक मैच्योर ना हो जाए तब उसे हम निम्फ कहते हैं। तो जो निम्फ है वो येलोइश वाइट कलर के होते हैं, इनकी लेंथ 1 मिलीमीटर होती है, और ये फॉर्म करते हैं, फॉर्म डिफरेंट कास्ट। डिफरेंट कास्ट का क्या मतलब है? जब एडल्ट्स के अंदर हम पढ़ रहे होंगे, एडल्ट्स जो है वो अलग अलग मॉर्फिज्म देखा जाएगा, उसे हम पॉलीमॉर्फिज्म कहेंगे, अलग अलग फॉर्म्स होंगी उसकी, वर्कर्स होंगे, सोल्जर्स होंगे, किंग होगी, क्वीन होगी, है ना। तो इस तरह से उनके अलग अलग फॉर्म्स होंगे, तो इसे इसे हम यहाँ पे कास्ट सिस्टम कहते हैं। तो यहाँ अलग अलग तरह की कास्ट ही किससे बनेंगे? निम्फ से ही बनेंगे। अब ये निम्फ है वो अलग अलग तरह के फॉर्म्स में बदल जाएंगे। आफ्टर दी 10 to 12 मोल्टिंग इन 6 to 13 मंथ, मतलब 6 से 13 मंथ के बाद ये जो निम्फ है 10 से 12 बार इनके अंदर मोल्टिंग होगी। मोल्टिंग आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आउटर जो स्केलेटन है, एक्सोस्केलेटन है, उसको हटाकर जो कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है वो और डेवलप हो जाता है। तो इस प्रोसेस को मोल्टिंग कहते हैं, आउटर स्किन को हटाकर, है ना। तो इसे हम कह सकते हैं, तो यहाँ 10 से 12 बार मोल्टिंग होती है, इसे याद रखेंगे आप। और 6 से 13 मंथ बाद अब ये निम्फ किस में बदल जाएंगे, तो हम देखते हैं ये एडल्ट्स में बदल जाएंगे। अब एडल्ट्स के बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर पढ़ने वाले हैं, जहां हम देखेंगे कि इनके अंदर पॉलीमॉर्फिज्म देखा जाता है। तो अब हम टर्माइट्स की एडल्ट स्टेज के बारे में बात करेंगे। तो अब तक मैं आपको बता दूं क्या क्या हो चुका है। जो एग्स हैं वो उनमें से हैचिंग होती है। हैचिंग कब होती है, तो हम देखते हैं मोस्टली जो मानसून सीजन होता है, जब मॉइस्चर अच्छे से अवेलेबल होता है ज़मीन में, तब एग्स में से हैचिंग होती है और वो निम्फ निकलते हैं। निम्फ धीरे धीरे बड़े होते हैं और उनके पास जो विंग्स होते हैं, उनके बाद उन विंग्स की हेल्प से इनके अंदर नेपचुअल फ्लाइट देखी जाती है। नेपचुअल फ्लाइट का क्या मतलब है? तो नेपचुअल फ्लाइट आप इस तरह से समझ सकते हैं कि अलग अलग इंडिविजुअल्स हैं, आप जान सकते हैं, जानते हैं इसके अंदर कि मेल भी है फीमेल भी है। तो ये जो इंडिविजुअल्स जो हैं एक पर्टिकुलर जगह से उठ के उड़कर दूसरी जगह जाते हैं, तो इसे हम नेपचुअल फ्लाइट कहते हैं। अब इस फ्लाइट के दौरान इनके बीच में मैटिंग होती है ना। तो मैटिंग होती है ये तो ठीक है, इसलिए इसको हम नेपचुअल फ्लाइट कह रहे हैं। खास बात ये है कि मोस्ट ऑफ दी जो भी इंडिविजुअल्स हैं टर्माइट के, वो तो अलग अलग एनिमल्स की वजह से ख़त्म हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, इन द सेंस जैसे कि फ्रॉग हो गया, स्नेक हो गया, लिजार्ड हो गया, है ना। तो ये अलग अलग जो एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, तो इनकी वजह से क्या होता है कि मोस्टली जो इंडिविजुअल्स हैं टर्माइट के वो तो ख़त्म हो जाते हैं। कुछ जो सरवाइव कर पाते हैं इंडिविजुअल, या कह सकते हैं कुछ जो कपल, है ना, जो जोड़ा बच पाता है, वो उनके बीच में मैटिंग होने के बाद हम देखते हैं वो अपने विंग्स छोड़ देते हैं। विंग्स छोड़ने के बाद अपनी एक कॉलोनी बनाते हैं पूरी की पूरी, ठीक है। समझ आया आपको नेपचुअल फ्लाइट का अब तक का सफ़र कि क्या हुआ? एग्स में से निम्फ निकले, निम्फ थोड़े बड़े हुए, एंड देन उनके बाद नेपचुअल फ्लाइट हुई, और वो जो लास्ट में बचे हैं इंडिविजुअल मेल और फीमेल जिनके बीच में मैटिंग हुई है, वो अब अपनी एक नई कॉलोनी शुरू कर रहे हैं। तो ये जो नई कॉलोनी बनाएंगे वो क्या होगा, हम देखते हैं ज़मीन में लगभग आधा मीटर की डिस्टेंस के अंदर ये पूरा कॉलोनी स्टार्ट होती है इनकी। और हम यहाँ देखते हैं एक रॉयल चैम्बर होता है। यहाँ रॉयल चैम्बर क्या, देखिए आपने जाना है कि ना कि दो इंडिविजुअल्स थे जो बचे थे, जिन्होंने मैटिंग करके अब नई कॉलोनी स्टार्ट कर रहे हैं। तो इन दो इंडिविजुअल्स को, जो मेल है उसे हम किंग कहते हैं और जो फीमेल है उसे ऑफकोर्स क्वीन कहते हैं। अब जो किंग और क्वीन है वो ऑफकोर्स कहाँ रहते हैं? रॉयल चैम्बर्स में रहते हैं, और इन रॉयल चैम्बर्स के अंदर इनकी बार बार मैटिंग होती है, और हम देखते हैं काफ़ी बार एग लेइंग होती है, और एग लेइंग से वापस अब तक एडल्ट्स तक तो हम समझ चुके हैं क्या प्रोसीजर था। तो अब हम इनकी एडल्ट फॉर्म की स्पेसिफिक बातों को जानेंगे, ठीक है। तो देखिए एडल्ट के अंदर पॉलीमॉर्फिज्म कैन बी सीन। पॉलीमॉर्फिज्म का नाम मैं 3-4 बार ले चुका हूँ ऑलरेडी, अब समझ चुके हैं कि एडल्ट स्टेज के अंदर अलग अलग फॉर्म्स देखी जाएंगी। हाँ, तो पॉलीमॉर्फिज्म देखा जाता है, एडल्ट कैन बी सीन, एंड ईच कॉलोनी कंटेन स्पेशलाइज्ड कास्ट और टाइप ऑफ इंडिविजुअल। हर कॉलोनी के अंदर अलग अलग तरह के इंडिविजुअल्स देखे जाते हैं, जिनको हम यहाँ पे कास्ट कहते हैं। कैसे? तो देखिए इंडिविजुअल सच एज रिप्रोडक्टिव एंड स्टेराइल फॉर्म्स, यहाँ कुछ फॉर्म्स जो होती हैं वो रिप्रोडक्टिव होती हैं, यानी कि रिप्रोडक्शन कर सकती हैं, और कुछ फॉर्म्स ऐसी हैं जो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती, या जिनको हम कह सकते हैं स्टेराइल फॉर्म्स होती हैं। ओके, तो उसके अंदर जो रिप्रोडक्टिव फॉर्म है
किंग और क्वीन, उसके बारे में अभी हम बात कर लेते हैं। जो किंग है वो स्मॉलर देन क्वीन होते हैं, ऑफकोर्स ये क्वीन से जो होते हैं वो छोटे होते हैं। और आपको ध्यान रखना है कि किंग की जो लाइफ साइकिल हो लाइफ स्पान होता है ना, इसकी आयु काल जो है वो छोटा होता है, क्वीन जितना नहीं जीता। एक क्वीन जो होती है लगभग 5 साल तक जिंदा रह पाती है अपनी लाइफ में, लेकिन किंग जो होता है वो इतना ज़िंदा नहीं रह पाते। तो किंग जो है चेंज भी होते रहते हैं, आपको ध्यान रखना है इस चीज़ को, है ना। तो एक किंग हट जाए, ख़त्म हो जाएगा, तो फिर दूसरे ही इंडिविजुअल्स में से किसी एक को किंग सेलेक्ट किया जाएगा, देन उसके बाद वो मैटिंग वगैरह होके एग्स वगैरह बनना ये सब कुछ होगा। तो किंग जो है वो स्मॉलर होते हैं क्वीन से, एंड रिमेन विद द क्वीन इन द रॉयल चैम्बर। और कहाँ होते हैं किंग, तो रॉयल चैम्बर में देखते हैं उसको हम क्वीन के साथ में। ओके, तो अब क्वीन के बारे में भी कुछ बात देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है। वो क्या है कि इट इज़ द लार्जेस्ट इंडिविजुअल। अगर कोई टर्माइट की कॉलोनी के अंदर हम सबसे बड़ा इंडिविजुअल देख सकते हैं, तो सबसे बड़ा इंडिविजुअल क्या होगा, क्वीन ही होगा। सबसे बड़ा क्यों होता है, आप जान चुके हैं कि एब्डोमिनल इतना बड़ा होता है कि इसके अंदर काफ़ी सारे एग्स जो हैं वो लेइंग हो पाती है इससे। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि इसको एग लेइंग मशीन भी कहा जाता है इनकी क्वीन्स को। तो लार्जेस्ट इंडिविजुअल है 6.6 से लेकर 8 सेंटीमीटर, मतलब इतने इतने बड़े हम देख सकते हैं क्वीन होती है। थिक होती है ये 1 सेंटीमीटर, विंगलेस होती हैं, पंख तो उन्होंने छोड़ दिए थे नेचुरल फ्लाइट के बाद, विंगलेस हैं, और क्रीमी वाइट होती है इनका कलर होता है। और साथ में हम देखते हैं एब्डोमिनल मार्क्ड विथ ट्रांसवर्सल डार्क ब्राउन बैंड, एब्डोमिनल के ऊपर डार्क ब्राउन कलर के बैंड्स देखे जाते हैं। तो ये तो सब रटने वाली बातें हैं। अब तक आपने समझ चुके हैं कि किस तरह से एग्स से लेते हुए हम देखते हैं एडल्ट्स के अलग अलग फॉर्म कैसे बन रही हैं। अब हम इनकी स्टेराइल फॉर्म्स को देखेंगे। स्टेराइल फॉर्म्स मतलब जो आगे रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती, कॉलोनी को और बड़ा नहीं कर सकती। तो नहीं कर सकती तो वो क्या करेंगी, उनके क्या काम है, उनको अब हम नेक्स्ट स्लाइड में जानने वाले हैं। तो चलिए अब हम एडल्ट स्टेज की स्टेराइल फॉर्म के बारे में बात कर लेते हैं। स्टेराइल फॉर्म यानी कि जो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती, तो उसमें कौन सी फॉर्म आती है, तो हम देखते हैं वर्कर्स और सोल्जर्स। वर्कर्स क्या हैं, तो देखिए 90% ऑफ द होल कॉलोनी, एक कॉलोनी के अंदर 90% जो लोग हैं या कह सकते हैं इंडिविजुअल्स हैं, वो क्या हैं, तो वो वर्कर्स ही हैं, जो कि 6 to 8 मिलीमीटर लॉन्ग होते हैं, 6 से 8 मिलीमीटर लंबे होते हैं, और ब्राउन हेडेड होते हैं। इनका हेड जो है ब्राउन कलर का देखा जाता है। आइज आर स्मॉलर और एबसेंट, या तो आइज बहुत छोटी होती हैं या कभी कभी एबसेंट भी होती हैं। एबसेंट कभी कभी एबसेंट मतलब कुछ स्पीसीज ऐसी हैं जिनके अंदर आइज एबसेंट होती हैं। और हम देखें तो माउथ फेयरली स्ट्रॉन्ग एंड यूज एज वर्किंग टूल फॉर ऑल टाइप ऑफ ऑड जॉब्स, है ना। ऑड जॉब्स मतलब अलग तरह के जो काम होते हैं, है ना, कि अलग अलग, जैसे कि हमने देखा कि टर्माइट्स क्या करती हैं, लकड़ी को ख़त्म करती है, डैमेज पहुंचाती हैं। तो इस तरह के जो दूसरे काम होते हैं तो वो मेनली कौन, वर्कर्स ही करते हैं, है ना। तो सबसे ज़्यादा डैमेजिंग स्टेज हम कह सकते हैं इंसानों के लिए, तो वो वर्कर्स ही होगी, है ना, जो जाके ख़त्म कर रही है। वैसे तो किंग क्वीन ही हैं जो कि सबसे ज़्यादा रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, लेकिन रिप्रोडक्शन करके कौन सी फॉर्म सबसे ज़्यादा डैमेज पहुंचा रही है, तो हम देखते हैं वर्कर्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा इन माउथ की वजह से डैमेज पहुंचाते हैं चीज़ों को। सोल्जर्स किस तरह से अलग होते हैं वर्कर्स से, क्योंकि होते तो ये भी स्टेराइल ही हैं, क्या अलग होता है इनमें, तो देखिए दीज आर बिगर देन दी वर्कर्स, ये वर्कर्स वर्कर्स से थोड़े बड़े होते हैं। और माउथ पार्ट स्पेशली हम देखें मैंडिबल्स आर डेवलप्ड फॉर डिफेंस एंड ऑफेंस, मतलब कोई दूसरा इंसेक्ट या कह सकते हैं कोई दूसरी चीज़ के ऊपर अटैक ना करे तो उसके डिफेंस के लिए, और हम देखते हैं ऑफेंस या इन सब चीज़ों के लिए, डिफेंस वगैरह बचाव करने के लिए, तो ये जो है सोल्जर्स काम आते हैं। और ख़ास बात देखिए कि हम कह रहा था कि मैं कि सोल्जर्स जो हैं वो डेड बॉडी वगैरह जो होती हैं कॉलोनी के अंदर, है ना, जो मान लीजिए टर्माइट्स वगैरह ख़त्म हो गई तो उनको साइड करना वगैरह, वो सब काम भी जो है सोल्जर्स कर सकते हैं। तो ये मैं मन से नहीं बोल रहा हूँ, आप नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF अवेलेबल है उसमें आप जब पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है कि जो सोल्जर्स हैं तो वो क्या करते हैं, इस तरह के काम भी करते हैं। तो इस तरह से हमने एडल्ट स्टेज को भी कंप्लीट कर लिया। तो अब एट लास्ट हम जानेंगे कि टर्माइट्स का कंट्रोल किस तरह से किया जाता है। तो एट लास्ट अब हम बात कर लेते हैं टर्माइट्स का कंट्रोल कैसे किया जाता है, या हम कहें इनका मैनेजमेंट किस तरह से किया जाता है। तो देखिए रिमूवल ऑफ डेड और डिकेइंग मैटर, है ना, डेड और डिकेइंग मैटर मतलब सूखा अगर कोई मटेरियल है तो वहाँ पे टर्माइट अटैक हो सकता है, क्योंकि लकड़ी वगैरह के अंदर सेलुलोज को खाने के लिए हम देखते हैं टर्माइट उन पर अटैक कर सकती हैं।
और ड्राई स्टबल्स वगैरह जो है ना, तो उनको भी हमें रिमूवल रखना चाहिए, ज़्यादा अवेलेबल नहीं रखना चाहिए खेत वगैरह में। एंड ऑल्सो अवॉइड पार्शियली डिकम्पोज मैन्योर्स, मतलब ऐसे मैन्योर्स जो अच्छे से डिकम्पोज हुए नहीं है, मतलब पार्शियली डिकम्पोज है, तो उनको भी यूज़ नहीं करना चाहिए, उनको अवॉइड करना चाहिए ऐसे यूज़, क्योंकि उनके तो नमी होगी, तो नमी वगैरह के अंदर आसानी से हम देख सकते हैं कि अब एग लेइंग वगैरह हो जाएगी टर्माइट्स की, तो इस तरह से वहाँ पे उनको यूज़ नहीं करना चाहिए। और केमिकल कंट्रोल को हम दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं, तो देखिए बिफोर सोइंग, मतलब सोइंग से पहले ही अगर हम कंट्रोल करना चाहें, अगर कोई जगह है हम जानते हैं कि वहाँ पे टर्माइट अटैक काफ़ी होते हैं, तो वहाँ पे हम पहले ही किस तरह से, या हम कह सकते हैं कोई क्रॉप है जहाँ पे टर्माइट्स अटैक होने के आशंका ज़्यादा है ना, तो उसके लिए पहले ही बिफोर सोइंग हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, देखिए एंडोसल्फान जो है उसकी डस्ट फॉर्म के अंदर 4% एट 30 kg पर हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर पर 30 kg इसकी डोज दी जा सकती है। लिंदेन है जो कि 1.3% इसका जो डस्ट फॉर्म है उसे 25 kg पर हेक्टेयर दिया जा सकता है। और वहीं हम देखें तो हेप्टाक्लोर जो है उसका 3% डस्ट जो है वो 35 kg पर हेक्टेयर के रूप में दिया जा सकता है। तो ये जो केमिकल ट्रीटमेंट है वो, तो या कह सकते हैं मैनेजमेंट है, वो बिफोर सोइंग का है। लेकिन अगर क्रॉप लगी भी है उस दौरान हम चाहते हैं कि किस तरह से कंट्रोल करें टर्माइट अटैक को, तो वो उसके लिए हम देखते हैं कि क्लोरोपायरीफॉस जो होता है, और गामा बेंजीन हेक्साक्लोराइड हो गया, और हेप्टाक्लोर जो है इनकी ई सी फॉर्म आप जानते होंगे, इमल्सिफाइबल कंसनट्रेट जिसको कहते हैं, इंसेक्टिसाइड्स वगैरह के ऊपर लिखे हुए होते हैं ये EC वगैरह अलग अलग फॉर्म्स, तो इमल्सिफाइड मतलब जो घोल के जो है ना सॉल्यूशन बना के डाले जाते हैं, तो उनकी जो 20 EC फॉर्म्स जो हैं इनकी, क्लोरोपायरीफॉस, गामा BHC और हेप्टाक्लोर की, ये 4.25 लीटर पर हेक्टेयर के रूप में दिया जा सकता है ना, 3.75 लीटर पर हेक्टेयर के रूप में इसका काम में लिया जा सकता है। किसके कंट्रोल के लिए, तो हम देखते हैं ऑफकोर्स टर्माइट के कंट्रोल के लिए। तो ये था हमारा आज का वीडियो, और हमेशा की तरह इस वीडियो के अंदर जो कुछ भी मैंने एक्सप्लेन किया है उसकी एक PDF फॉर्म नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप चाहें तो उसे डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया, पॉलीफेगस इंसेक्ट पेस्ट के एक टॉपिक लोकस्ट के ऊपर मैं एक ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है अगर और आप उसे देखना चाहते हैं, तो उसका लिंक ऊपर आई बटन के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। और साथ में अगर आप जनरल एग्रीकल्चर की नॉलेज और क्वेश्चन आंसर्स में इंटरेस्ट रखते हैं, तो आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, उनके भी लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं। और साथ में इसी तरह की वीडियोस के लिए जुड़े रहिए एग्रीकल्चरल स्टडीज से।